नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारे देश के अंदर लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच जो भाईचारा, जो एकता है, उसको खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। यहां पर एक गुजरात से खबर सामने आ रही है जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे दोस्तों। वैसे आप लोगों ने देखा, मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, कई ऐसे राज्य हैं या छत्तीसगढ़ हो, तमाम राज्यों के अंदर लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच फसाद करवाने की साजिशें रची जा रही है। वो अलग बात है कि इसमें कुछ लोग कामयाब नहीं हो पा रहे, कुछ जगहों पर कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही वो गुजरात से है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह राज्य यानी कि उनके गढ़ से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से हिंदू और मुसलमानों के बीच फसाद कराने की कोशिश की गई है। और यहां पर एक दरगाह के अंदर घुस करके कुछ अराजक तत्वों ने किस तरह से एक साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया, ये हम आपको दिखाते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। कानूनों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले दिनों में खेड़ा का, गुजरात का और देश का एकता और भाईचारा का जो सौहार्द है वो बिगड़े नहीं। आज यहाँ खेड़ा जिले में काफी टाइम से एसपी साहब नहीं है, तो उनकी जगह पर डीवाईएसपी केजी पटेल साहब ने हमारे आवेदन पत्र को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि वो जरूरी कार्रवाई इन तमाम लोगों के खिलाफ जल्दी करेंगे। हमने ये भी कहा कि बिना किसी मंजूरी के वहां पर अगर पुलिस प्रशासन की मदद से निकला है, तो अगर पुलिस प्रशासन उसमें जिम्मेदार है तो वहां के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, दरअसल ये वीडियो गुजरात के महमदाबाद के रोजा रोजी दरगाह का है, जहां पर कुछ अराजक तत्व जाते हैं, डीजे लेकर के दरगाह के अंदर घुस जाते हैं, खूब डीजे पर गाना बजाते हैं और मूर्ति रख करके पूजा करने की कोशिश करते हैं। अब आप बताइए, एक धार्मिक स्थल है, वो भी दूसरे समाज का है, वहां पर जाकर के आप डीजे बजाएंगे, वहां जाकर के मूर्ति रख करके हंगामा करेंगे, पूजा करेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर किसी तरह का फसाद होगा? क्या आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी साजिश हमारे देश में की जा रही है हिंदू और मुसलमानों के भाईचारे को खत्म करने के लिए? खैर, इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर एमआईएम की तरफ से जो गुजरात के एसपी हैं इस इलाके के, उनको एक जो है एफआईआर दर्ज करने की लेटर दिया गया है और जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि गुजरात की सरकार किस तरह से इस पर कार्रवाई करती है, किस तरह से कदम उठाती है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, आज हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा की जा रही है, यह भी एक बहुत बड़ी साजिश है। यह अलग बात है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, इससे पहले इस तरह की सारी घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके अपने इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।